नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार झारखंड। मैं अमित कुमार। बेगूसराय पुलिस के लिए कल का दिन सफलताओं से भरा हुआ दिन साबित हुआ। बेगूसराय पुलिस ने मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पहाड़चक निवासी सुरेश पंडित हत्याकांड का उद्भेदन कर लिया है। पुलिस ने इस दौरान 5 अपराधी को एक देसी कट्टा और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है, जिसकी जानकारी खुद बेगूसराय के SP योगेंद्र कुमार ने कार्यालय कक्ष में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी है। SP ने बताया कि दरअसल 3 लाख रुपए के कमीशन को लेकर के विवाद था। उसी विवाद को लेकर के बदमाशों ने सुरेश पंडित की गोली मारकर हत्या कर दी। और क्या कुछ कह रहे हैं बेगूसराय के SP योगेंद्र कुमार, आइए हम आपको सुनवाते हैं। मामला सामने आया है, क्या हत्या, क्या क्या बात निकल कर सामने आई है? मुफस्सिल थाना अंतर्गत एक मर्डर की घटना हुई थी गोली मार के। पुलिस ने उसका खुलासा 24 घंटे के अंदर कर लिया है। इसमें 3 टीमों का गठन किया गया था। तीनों टीमें SDPO सदर के नेतृत्व में काम कर रही थी और 24 घंटे के अंदर इसमें 5 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। घटना में शामिल पिस्टल और गोलियों को पुलिस ने जब्त कर लिया है। अब पूछताछ में जो सारा मकसद था घटना का, वो भी पुलिस ने पता कर लिया है। देखिए, इसमें 15 तारीख को सुबह 10 बजे मुफस्सिल थाना में एक गाँव है पहाड़चक, वहाँ का एक व्यक्ति है सुरेश पंडित, इसी गोली मार के कुछ लोगों ने हत्या कर दी थी। तुरंत मुफस्सिल थाना की टीम SDPO सदर वहाँ पहुँचे थे, पोस्टमार्टम कराया गया था और पुलिस ने जो CCTV कैमरे लगे थे, मृतक के परिजन थे, सबसे बात की, तो उसमें हम लोग को कुछ जानकारी शुरू में ही मिल गई थी। उसके बाद 3 टीमों का गठन किया था और 3 विभिन्न दिशाओं में चकिया से लेकर के पूरे ज़िले में लगातार छापेमारी की गई और शाम होते होते इसमें सभी लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। इसमें जो मेन मास्टरमाइंड है, जिसने ये घटना की है, उसका नाम नीरू कुमार है। ये उसी गांव का रहने वाला है जिस गांव का मृतक था, पहाड़चक थाना मुफस्सिल। इसके अलावा जो इसमें 4 लोग और गिरफ्तार हुए हैं, उसमें एक का नाम राजकुमार है सूरज पासवान, एक और राजकुमार है, एक सोनू कुमार, ये सभी उसी गाँव पहाड़चक के रहने वाले हैं। देखिए, पूछताछ में ये पता चला है कि जो मृतक था ये ज़मीन की ब्रोकरी का काम करता था और जो घटना कारित करने वाला है नीरू कुमार, ये भी इसी पेशे में था। एक ज़मीन थी जिसमें कि ब्रोकरी का पैसा नीरू कुमार को मिलने वाला था, लेकिन जो व्यक्ति ज़मीन का सौदा करने वाला था उसने नीरू कुमार को छोड़ के मृतक से सौदा कर लिया और नीरू कुमार को इसी बात की गुस्सा थी कि जो ब्रोकरेज का पैसा उसको मिलता वो बेसिकली किसी और को मिल गया। तो कुल मिला के ज़मीन की जो डील थी वो नीरू कुमार से हाथ से निकल करके मृतक जो है सुरेश पंडित उसके हाथ में चली गई। इससे ये क्षुब्ध था और इसने अपने साथियों को बुलाया और ये मृतक के घर के पास में गया जहाँ वो उठता बैठता था, उसको बुलाया बातचीत के बहाने और इन लोगों ने फिर उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद ये लोग भागने लगे वहाँ से। यदि शाम तक इनकी गिरफ्तारी नहीं होती तो हो सकता था कि ये लोग जिला छोड़ के भाग जाते, फिर इनको पकड़ने में काफ़ी समय भी लगता। लेकिन SDPO सदर, उनकी तीनों टीम ने बड़ा अच्छा काम किया कि 24 घंटे में पूरे केस का उद्भेदन हो गया, बड़ा अच्छा काम हुआ है। मैं अपनी तरफ से पूरी टीम को पुरस्कृत करूँ। कुल मिलाकर कहा जा सकता पैसे की लेन देन में इसकी हत्या, कितने पैसे का सर लेन देन का? उसमें 3 लाख रुपया की बात थी जो ब्रोकरी मिलती इन लोगों को, लेकिन वो किसी और को मिल गई, इस बात से ये गुस्से में था और इसी का बदला लेने के लिए पूरी घटना की। देखिए, इन लोग का जो आपराधिक इतिहास है वो अभी पता किया जा रहा है और उसमें थोड़ा समय लगेगा, बट हम लोग अभी चेक कर रहे हैं कि आप पहले कोई घटना किया है कि नहीं किया, वो अभी पता किया जा रहा है। अब इसमें कोई आदमी नहीं है, टोटल पूछताछ अनुसंधान में क्लियर हो गया कि यही 5 लोग थे, सभी की गिरफ्तारी हो गई है।